होत जागय रघुनाथा और मात पिता गुरु नावय माथा। ये तीन नियम थे उनके। सबसे पहले राम के जब सवेरे जगते थे तो माता पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे, मस्तिष्क झुका के करते थे। आज सवेरे 5 बजे जगते हैं तो सबसे पहले हमारे लोकेंद्र शास्त्री मोबाइल ढूंढते हैं कहाँ है। और सही बता रहा हूं कि ब्रह्मदेव महाराज के यहां मैं खड़ा हूं, जगत झूठ नहीं है इसमें आंखों देखा। ये बीच में चिमटा बजा रहे कहा है, एक इतना सवेरे 4 बजे क्रीम ही पोत को मौत। सवेरे 4 बजे बताओ, 4 बजे को समय क्रीम लगावे को हो तो है। बेटा एक बात जीवन में ध्यान रखना, चाहे तो कितनी क्रीम लगा देना और चाहे कितना पाउडर लगा दियो, पर बेटा चमक तो तबही आवे तो 300 बैठक और 10 दंड बैठक मार जाए। चमक तबही आवे 4 किलोमीटर की रेस लगाई जाएगी उस समय। एक बार विनोद बाबू जाई साल की बात बता रहा हूं, मैंने भागवत में जी कही मेरी की जींस की पेंट तब अच्छी लगता है, तब जांग में गफिके आते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई बालक जी चाहे कि हमारी पेंट गफिके बने तो वो मंत्र हम पे सीख जाए। सो सांझ को बालक कागज पेंसिल लेके आगो के जा पे लिख दो मेरे पेंट गफिके। मैं बेटा वो लिखे देखो कहा है के तो कहा है कौन मैं सुन, हम बता रहे 6 महीने की गारंटी है, भागवत कथा कहना छोड़ देंगे अगर नहीं गफे तो। कैसे 4 किलोमीटर की रेस लगाई है सवेरे 4 बजे और 400 बैठक और 300 दंड बैठक मार के 1 किलो दूध पानी बिना पानी को पी लिया नगर भेजा तब। ए हम तो लिखे विवाह जान नहीं तो बेटा वो लिखे विवाह कहा है, पसीना आ जाता तरवा का तक नीचे चुटिया से। और एक बात और जीवन में ध्यान रखना, थोड़ी सी बेटा कड़वी लगेगी अगर अच्छी ना लगे तो लौटा देना। 16 बरस से 21 बरस तक 5 साल शरीर को रखा देना, अगर 80 साल तक तुम्हारा पांव टेढ़ो पर जावे धरती को तो नाव फेंक देना। हेलो बीस रुपये श्रीमान सुरेश नेता जी उनकी तरफ से ही। हेलो, तो उस समय आज सुभद्रा जब चली है और रथ में बैठ करके अकेली रोती हुई जा रही है। श्रोता बंधुओं समय कितना था, एक भैया ने शादी तय की बहन के घर पर और दूसरे भैया ने लगन चढ़ा दी दुर्योधन के घर पर। बताओ कोताव में आपस में परिवार में टेंशन और ऐसा आजू है जावे तो बिना लट्ठ बजे बच्चा बचिया। तो उसमें सुभद्रा जब रोती हुई जा रही थी मार्ग में, श्रोता बंधु जाकर द्वारकाधीश के भवन के बाहर रथ रुका जाकर के कैसे सुनो भूप धरि ध्यान। अरे कहो जी ग्रंथन पर Yeah.
देश बदला भेन यहाँ पे और दारू भैया ना गए लगन थे घर पे और तू रो क्यों रही और आई क्यों दस बदला बोलिए तब कही का सुन मैंने तुम्हें कही तो नहीं क्या तुम्हारे घर पर कब आई नहीं एक बात कहना चाहती हूं उसे सुन क्या अबे भैया मेरी सब छिन गई राजा धानी Speed up!
I don't know.